तपोवन में चल रही विधानसभा सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो बुके और फूल भेंट किए जाते हैं उनका चलन गलत है। उन्होंने कहा कि इन चीजों में खर्च करने की बजाय लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में धन जमा करवाएं जो गरीब लोगों और गरीब जनता के काम आएगा। सीएम ने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री राहत कोष बिल्कुल खाली है, तो ऐसे में जनता से सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों और विधायकों से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी तनख्वाह से राशि देने को कहा गया है और सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 लाख रुपए जमा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इस कोष का पूरी तरह दुरुपयोग किया है और खाली कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष से जितने भी केस पिछली सरकार ने बनाए हैं उन्हें खारिज कर वापस लिया जाएगा। मुझे खुशी है कि राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा कर भारी मतों से जितवाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का भी पार्टी को स्थापित करने में अहम योगदान है। संवैधानिक संस्था है, उस पर खड़ा करना वाजिब नहीं, उचित नहीं। लेकिन अगर सरकार बदली है तो निश्चित रूप से हमने अधिकारी को कहा कि उसमें वो परिवर्तन जो है आप लोगों को इसमें भी करना, अपने व्यवहार में भी करना होगा, अपने कामकाज में भी करना होगा। पारदर्शिता के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भर्ती चाहे वो स्वर्णीय सेकंड बोर्ड में हो रही है, चाहे वो पब्लिक।